क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखे। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। प्रशांत ने एक जनसभा के दौरान कहा है, कई लोग सवाल करते हैं कि ये भाई इतना मेहनत कहाँ कर रहे हैं, वोट मांग नहीं रहे हैं, हम लोग से कुछ लिए भी नहीं है, तो इतना मेहनत क्या कर रहे हैं। पीके ने कहा कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोगों मैं बता देना चाहता हूं कि आप मुझे नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। हम सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं, यह सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में बिहार के विकसित राज्य के श्रेणी में देखें। यह सपना लेकर आए हैं, अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब समेत पूरे भारतवर्ष के एक दिन लोग बिहार में आकर रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार के विकसित हो रहा है। बिहार में आकर रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो रहा है। हम बिहार के लोग मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बिहार के लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। व्यवस्था ने यहाँ के लोगों को मजदूर बना दिया है। देश में आज जिसको मजदूर की जरूरत है वे कहते हैं कि जाओ बिहार में मजदूर पकड़ के लाओ। आज किसी राज्य में फसल नहीं कट रहा है तो कहते हैं कि 100 बिहारी को पकड़ के काम करवा लो। बिहार के लोग जो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं वो फैक्ट्री लगवा भी सकते हैं। क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देखे। अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है, व्यवस्था ने हमको आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है तो कहता है जाके 100 को बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो लड़के फैक्ट्री चला सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं, ये आप में ताकत है, इसीलिए आए हैं। और आप हम पर भरोसा रखिए, कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं है। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं।